खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणि नाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। अब कितनी महंगी हुई सीएनजी, किस बैंक ने बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें, भारत की विकास दर को लेकर क्या आया अनुमान, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में महंगाई से जुड़ी खबर है। बढ़ती महंगाई का एक और झटका दिल्ली एनसीआर के लोगों को लगा है और सीएनजी के दाम में एक रुपए का इजाफा हुआ है। आज से दिल्ली में सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं और ये 76.59 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। आज 14 दिसंबर 2023 सुबह 6 बजे से सीएनजी के नए रेट लागू हो गए हैं। इस साल यानी 2024 में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले नवंबर और अगस्त में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, जबकि जुलाई में सीएनजी के दाम घटाए गए थे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। एडीबी ने सितंबर में 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और यूटिलिटी में दोहरे अंक में तेजी रही है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष में कृषि की विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय मुद्रा स्फीति को 5.5% के अपने पहले के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। लंच बॉक्स के अगले डिब्बे में भी महंगाई से जुड़ी खबर है। देश में थोक महंगाई बढ़ी है। नवंबर में WPI इन्फ्लेशन यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पर महंगाई में मार्च 2023 के बाद पहली बार निगेटिव जोन से निकला है। जहां अक्टूबर में थोक महंगाई 0.52% पर थी, वहीं नवंबर में बढ़कर 0.26% पर आ गई। खाने पीने के सामानों के दामों में बढ़ोतरी के बीच नवंबर में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 0.26% पर पहुंच गई है। अब देखते हैं लंच बॉक्स के अगले डब्बे में आखिर है क्या। नए साल से पहले DCB बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ी सौगात दी है। बैंक की ओर से फिक्स डिपॉजिट का ब्याज दर बढ़ा दिया गया है। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति बैठक हुई थी, जिसमें रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं अब DCB बैंक की ओर से FD पर 0.10% तक ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। बैंक की ओर से 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। ऐसे में बैंक की ओर से आम लोगों को 8% तक ब्याज मिल रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.60% तक का ब्याज का फायदा मिल रहा है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.40 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। इससे पहले 5 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.39 रुपए के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है। कच्चा तेल $76 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में रुपया करीब 1.22% तक कमजोर हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में रुपया 82.39 रुपए प्रति डॉलर पर था। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। सरकार की महत्वपूर्ण अटल पेंशन योजना के तहत रजिस्टर्ड लोगों की संख्या 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन को 9 मई 2015 को शुरू किया था। इसका मकसद देश के नागरिकों, खासकर गरीबों और वंचित लोगों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि सदस्य के योगदान पर निर्भर करेगी। पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर अंशधारक की 60 साल की उम्र तक जमा की गई पेंशन राशि नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर 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 बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।